हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तन्वी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ द पार्ट थ्री ऑफ माय जोधपुर जैसलमेर ट्रैवल ब्लॉग। आई होप यू वुड लाइक दिस टू। इफ यू लाइक दिस, प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू इट एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। सो इन दिस आई वुड बी शोइंग यू द मेहरानगढ़ फोर्ट दैट होल्ड्स द प्राइड ऑफ प्लेस इन जोधपुर बिकॉज ऑफ इट्स स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर एंड द डाइवर्स हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एंड मैग्निफिसेंट फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। It was built by Rao Jodha in the year 1459. It is spread over an area of 5 km and is built on 125 meter high hill in the outskirts of Jodhpur city. There are total 7 gates which can be used to enter the Mehrangarh fort. These are made by different rulers and are built in honor of victory over Bikaner and Jaipur armies. So firstly, you need to take the ticket from the ticket counter that is located at the entrance of the fort itself, and you can take the ticket of elevator as well. You have to pay 50 rupees extra for that because the fort is quite high. Rajasthan mein kai aitihasik imaratein maujood hain, lekin Jodhpur ka Mehrangarh qila sabse khaas hai. 400 feet ki oonchi bilkul seedhi khadi chattan par sthit ye qila भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। किले से जोधपुर का बेहतरीन नज़ारा एकदम साफ दिखता है। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए एक घुमावदार रास्ता है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोलों द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह किला शहर से 1410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो अपनी जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। तो जब आप किले से नीचे देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। आपको पूरा जोधपुर शहर यहाँ से दिखाई देता है और ये नज़ारा बेहद अद्भुत है। मेहरानगढ़ किले का म्यूज़ियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूज़ियम में से एक है। किले के म्यूज़ियम के एक विभाग में पुरानी शाही पालकियों को भी रखा गया है। यहाँ पर एक पालकी ऐसी है जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। यह म्यूज़ियम हमें राठौर की सेना पोशाक चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। इस किले के भीतर बहुत से बेहतरीन चित्रित और सजे हुए महल हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिल्हे खाना और दौलत खाने का समावेश है। साथ ही किले के म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचर को जमा किया गया हुआ है। तो इस म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं वो हमें ले जाती हैं उस दौर में जब ये चीज़ों का इस्तेमाल वास्तविक रूप में राजा द्वारा किया जाता था, और ये सारी यहाँ रखी हुई चीज़ें इस फोर्ट को जीवंत बनाती हैं। तो अब वक्त आया था जाने का, और हम जब निकल रहे थे तो हमने यहाँ से कचौड़ी और ढोकला भी खाया, और आपको बिल्कुल ही एंट्रेंस पे ऐसा मैप भी देखने को मिल जाता है फोर्ट का। उतरने के लिए आप एलिवेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से ये स्लांटिंग जो आपको दिख रहा है रास्ता, आप इससे भी आ सकते हैं। और बीच बीच में आपको ऐसे कलाकार जो हैं अपने सुर छेड़ते हुए ज़रूर नज़र आएंगे पूरे राजस्थान में। तो अब हमारा जाने का वक्त आ गया था। हम अब जाने वाले थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है उम्मेद भवन। तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।